लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट गई है। आगामी चुनाव में अपने कई विधायकों को सपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक के संकेत दिए हैं और कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएगी जितनी जीत सके और कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशी को सीट दी जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर ही केंद्रित रहने की सलाह भी दी गई है। बीजेपी के धर्म से संबंधित किसी भी मुद्दे पर न फंसने के निर्देश भी यहां पर साफ तौर पर दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट गई है। आगामी चुनाव में अपने कई विधायकों को सपा उतार सकती है। जी हां, अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक के भी संकेत दिए हैं। विधायकों की बैठक अब हो सकती है। आपको बताते चले कि यहां पर भी साफ तौर पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएगी जितनी सीटें वो जीत सकती है। तो कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशी को ही सीट दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर ही केंद्रित रहने की भी सलाह यहां पर दी गई है। और चुलेसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा जुड़ चुकी है। स्कंदिता, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी अब जुड़ गई है और अब अगर बात की जाए तो विधायकों की बैठक के संकेत दिए जा रहे हैं। कब तक ये बैठक होगी और क्या कुछ रणनीति आगे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बना रही है? नहीं, बिल्कुल, आपको बता दें कल सपा सुप्रीमो ने विधायकों के साथ बैठक की थी और साथ ही उन्होंने अपने सपा के विधायक को बुलाए थे और जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधायक पद के लिए जो 2022 में, उनको भी बुलाया था और उन सभी से जो सुझाव है वो सुझाव मांगे गए हैं। उन सभी ने लिफाफे में बंद कर सुझाव भी दिए हैं कि किनको लोकसभा सीट पर जो नाम है, जो प्रत्याशी होने वाले हैं, कौन रहेगा, उस पर सुझाव भी मांगे गए थे विधायकों से। उन्होंने सुझाव भी दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी, यही मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ेगी जाति जनगणना जैसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इन्हीं मुद्दों को आगे रखा जाएगा। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है, अपने सभी विधायकों को हिदायत दी है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के धर्म की राजनीति में ना फंसे, धर्म के मुद्दे में ना फंसे, इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है सभी विधायकों को। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि जो भी विधायक है, कई सारे विधायक जो है वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, इसको लेकर भी अखिलेश यादव संकेत दिए हैं कि कईयों को मौका दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव में कि कौन, क्योंकि 80 के 80 जो सीटें हैं उन पर इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आरएलडी को वो 8 सीटें देंगे। कल की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था वही और अब जो समय है बहुत कम बचा है, लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ था और ऐसे में सपा का प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, जो की अब प्रत्याशियों की सूची रिलीज करती है। लेकिन हाल ही में अब जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसको निकलकर सामने आएगा कि किसको कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलडी के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, उसके बाद जो है वो फाइनल स्थिति बन जाए उसका ऐलान होगा। लेकिन विधायकों के साथ बैठक हो चुकी है अखिलेश यादव से, उससे पहले भी अखिलेश यादव ने लगभग सभी जिनके साथ में बैठक किए, चाहे वो अधिवक्ता सदस्य हो, बहिला सदस्य हो, राबड़ बड़ा पंचायत रही हो या जैसे भी हो, सभी उन्होंने बैठक की है और अपने पदाधिकारियों के साथ सुझाव लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों जो है वो उसके अहम रहने वाले हैं। चित्रकला अखिलेश यादव ने किया था अपनी बैठक के दौरान, इसलिए पर वो काम करेंगी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर, हक की लड़ाई उठाएगी, उस पर भी अखिलेश यादव ने कल जोर दिया था। और कई विधायक जो है वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा, ये भी इस पर दिया था उन्होंने की हो सकता है कई विधायक भी मैदान में हो, बाकी कांग्रेस को इतनी सीटें दी जाएंगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी विधायकों साफ किया कल कांग्रेस को इतनी सीटें दी जाएंगी पर जीतने के पास प्रत्याशी हो गए। जी चलिए, ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।